लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही उनको लेकर हर ओर बातचीत हो रही है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने उनको लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उनका परिवार हर साल जेल में बंद लॉरेंस की देखभाल के लिए लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। इसके साथ ही रमेश ने यह भी बताया कि लॉरेंस के परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो इतना बड़ा अपराधी बनकर दुनिया के सामने आएगा। रमेश ने आगे कहा कि हम हमेशा से आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और हमारे पास गांव में 110 एकड़ जमीन भी है। लॉरेंस हमेशा से ही महंगे कपड़े और जूते पहनता था। उसको महंगे महंगे खर्चे करने का शौक था। अब भी परिवार जेल में उसकी देखभाल कर रहा है और सालाना बड़ी रकम खर्च करता है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वो 2014 से ही जेल में बंद है और लॉरेंस ने ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया है जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद ही ली है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान से नजदीकियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। हालांकि इस मामले में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता को लेकर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसके पीछे कितना सच है और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।